पूरे भारत में या फिर हम यू कहें तो पूरे विश्व में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। जी हाँ, ये शिक्षक शब्द जो आप सुन रहे हैं यह केवल बिहार के लोग ही इसके बारे में जानते हैं। बिहार के इतर जो भी राज्य हैं या फिर जो भी देश हैं वह शिक्षक शब्द आज तक सुने नहीं है। बिहार सरकार तो यही दिखा रही है ना, शिक्षा विभाग जो है बिहार का वह यही तो दिखा रहा है आज 4-5 महीने से कि बिहार में जो शिक्षक बहाली चल रही है वह दुनिया में एक अजूबा काम हो रहा है। केवल यहीं पर शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं और कहीं नहीं शिक्षक बहाल होते हैं। बहाली के नाम पर लड़कों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम पर इतने सारे संशोधन किए जा रहे हैं नोटिफिकेशन में कि हम लोग कंफ्यूज हैं कि साला हम टीचर का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आईएएस और आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर हम राष्ट्रपति या फिर उससे भी कोई ऊपर पद होता तो उसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं। इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इस शिक्षक बहाली में कि लग रहा है कि जो अभी सूर्य पर जो हम लोग का एलेवन गया है साला वो भी फेल हो जाए। इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि सारे वैज्ञानिक फेल हो जाएंगे जितना एक्सपेरिमेंट आज इस बीपीएससी के टीचर वाले बहाली में हो रहा है। जब से नोटिफिकेशन निकलता है और जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता है उसके बीच में इतने सारे संशोधन किए जाते हैं, इतने सारे नोटिफिकेशन में बदलाव किए जाते हैं कि कैंडिडेट जो है वह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसका डिग्री उसने जो लिया है वो वास्तव में उसने लिया भी है या उसका डिग्री वो काम भी आएगा या फिर उस पर वह चिनिया बादाम रखकर खाएगा। यही तो हो रहा है ना। बीपीएससी टीआरयू 1 का हाल देखिए, बीपीएससी टीआरयू 2 का हाल देखिए, सबका वही हाल है। बहाली के नाम पर केवल आपको और हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख इसलिए बीपीएससी टीआरयू 1 में 1,80,000 सीट आया। 1,80,000 में 1,20,000 सीट का रिजल्ट दिया गया। उस 1,20,000 में जो है आपने देखा कि 28,000 नियोजित शिक्षक ही केवल थे, 30,000 से 40,000 केवल अदर राज्य के लड़के थे। उसमें से 1,20,000 में से ज्वाइन कितने लोग किया था, केवल 80,000 से 90,000 अभ्यर्थी ने केवल ज्वाइन किया था। अब आप सोच सकते हैं कितने सीटें भरी गई। उन सीटों को भरने के लिए ही मैंने ऐसी बहाली पहली बार देखी थी कि उस बहाली में अगर आप कोई पेपर एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अपियरिंग है तो भी आप इलिजिबल हैं। आप बीएड में एडमिशन लिए हैं तभी आप नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सीटेट में फॉर्म भरे हैं क्वालिफाई करने के लिए तभी आप नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप डीएलएड अपियरिंग है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी का तो नतीजा है ना कि इतने सारे अभ्यर्थी जो अभी आपका सीट खाली रह गया, केवल 80,000 से 90,000 लोगों ने ही ज्वाइनिंग किया, इसी का नतीजा तो है। जो सीटेट फेल हैं, जो डीएलएड फेल हैं, जो बीएड फेल हैं, वो ज्वाइन करने आए नहीं। और वो जो 30,000 से 40,000 लड़के थे जो सीटेट बीएड या जो भी फेल थे वो ज्वाइन नहीं किए, उनका मेरिट में नाम आ गया था, उनको स्कूल आवंटन कर दिया गया, वो ज्वाइन करने नहीं गए और वो जो सीट वैकेंट रह गया उस सीट पर जो बॉर्डर लाइन पर लड़के थे या जो क्वालिफाइंग नंबर पार किए हुए लड़के थे उनका ज्वाइन नहीं हुआ, इसका जवाबदेही कौन लेगा। आपने तो गांधी मैदान में पूरा भीड़ इकट्ठा करके 25,000 से 30,000 लड़कों को दिखा दिया पूरे विश्व को, पूरे भारत को कि देखिए हम इतना नियोजन पत्र बांट रहे हैं, लेकिन उस नियोजन पत्र में कितने अभ्यर्थी ऐसे थे जो बीएड फेल थे, सीटेट फेल थे, डीएलएड फेल थे, क्या आपने उसका आंकड़ा बताया? क्या आपने आंकड़ा उसका बताया कि अभी कितने लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया है, वो 80,000 जो भी 20,000 से 25,000 सीट है वो कहां गए, उनपे जन्मी लड़के बहाल हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। तो यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि उसको हम तीसरे चरण में यानी कि जो अगस्त में होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 उसमें उस आप सीट को ऐड कर देंगे। क्यों आप ऐड करेंगे उसमें, आप उसमें ये जो सीट खाली रहा है क्यों ऐड करेंगे, मैं यह पूछना चाहता हूं। आपको जब मन करता है आप लैंग्वेज पेपर को अनिवार्य कर देते हैं, आपको जब मन करता है आप लैंग्वेज पेपर को हटा देते हैं कि आपका क्वालिफाइंग नंबर 0 रहेगा, आप ऐसे ही दीजिए, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आपसे जब हम ये बोलते हैं कि आप जो नियोजित शिक्षक जो ज्वाइन नहीं किए या फिर जो ज्वाइन कर लिए उनका 28,000 सीट जो खाली रह गया या फिर जो बीएड डीएलएड और सीटेट जो फेल है उनका सीट जो खाली रह गया उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाइए और जो बॉर्डर लाइन पे लड़के हैं या फिर जो क्वालिफाइंग नंबर लड़के पास है
उनको आप ज्वाइनिंग दीजिए तो आप बोलते हैं कि ये हमारे नियम के खिलाफ है, कानून के दायरे में नहीं आता है, ये आपके कानून के दायरे में नहीं आता है, लेकिन आप जब मन तब संशोधन कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में, ये आपके कानून के दायरे में आता है। मौका देने के नाम पर आप केवल 3 अटेम्प्ट देंगे हम लोगों को कि आप बीपीएससी में केवल 3 बार बैठ सकते हैं, 3 बार ही आप केवल टीचर एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 100% सीट आप भरेंगे नहीं। 1,80,000 में आपका 40 से 45,000, छोड़िए 50 से 60,000 सीट आपका खाली रह जाता है, आप उसको नहीं भरिएगा, उसको आप एक्सटेंड कर दीजिएगा तीसरे में। दूसरे में आपका बीपीएससी TRE2 में उस सीट को जोड़ना चाहिए था, तो आप तीसरे में जोड़ रहे हैं। तो आपको जो मन करेगा वो आप कर सकते हैं, वो कानून के दायरे में होगा, लेकिन हमसे कोई अगर त्रुटि हो जाता है तो आप सीधे हम लोगों से अफिडेविट मांगते हैं कि आप अफिडेविट के थ्रू दीजिए कि आपसे ये गलती हुई है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि आप देखिएगा कि इसका दुष्परिणाम आपको आने वाले 4 से 5 साल में आपको देखने को मिलेंगे। क्वालिटी टीचर वैकेंसी के नाम पर आपने सीटेट फेल वालों को, बीएड फेल वालों को, डीएलएड फेल वालों को अपने वैकेंट कर लिया। अभी जो पकड़े जा रहे हैं वो तो पकड़े जा रहे हैं, अब मान लीजिए कि अगर 20 से 25 हजार या फिर 10 हजार भी या 1 हजार भी केवल कैंडिडेट अगर ऐसे होंगे सीटेट बीएड या डीएलएड फेल होंगे, अगर वो वैकेंट हो गए हैं, उनको स्कूल आवंटित कर दिया गया है, उसमें से 1-2 भी अगर छूट जाते हैं वेरीफाई करने में और वो नहीं पकड़े जाते हैं तो नौकरी करेंगे ना। तो ये नौबत आखिर क्यों आती है, ये नौबत क्यों आती है कि आप उन लोगों को मौका देते हैं, और जब पहले TRE1 में मौका दिया तो आपको TRE2 में भी उसको मौका देना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन नहीं, आपको जल्दबाजी थी सीट भरने की, दूसरे राज्य के लड़कों को बुलाकर नौकरी देने की। आपके राज्य के लड़के भले ही 2019 से बहाली की प्रतीक्षा कर रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि डोमेसाइल लाइए, नियोजन कीजिए, लेकिन आपने उनको आश्वासन दे देकर कि ठीक है हम अगले साल, अगले महीने आपको हम दे रहे हैं नोटिफिकेशन, बहुत जल्द बहाली होगा, और फिर आप पकड़ा देते हैं क्या, तो बीपीएससी आपका एग्जाम लेगा, और बीपीएससी भी कैसा एग्जाम ले रहा है, कैसा बहाली करा रहा है, वो सार्वजनिक है। सीटेट फेल, बीएड फेल, डीएलएड फेल सब वैकेंट हो जा रहे हैं, लेकिन वो लड़का जो जेन्युइन है, जो सारे चीज पास है, बस उसका केवल यही गलती है कि वो बॉर्डर लाइन पे है, वो क्वालिफाइंग नंबर से 1-2 नंबर आगे पीछे है, उसका वैकेंसी नहीं हो पा रहा है, वो केवल मुंह देख रहा है। तो ये है विडंबना हमारे बिहार सरकार की। जय हो बिहार, और जय हो बिहार के शासक जो हैं, और ऐसे ही बिहार का बंटाधार होता रहेगा। हम लोग केवल मूक दर्शक हैं, मूक दर्शक केवल देखने का काम करता है, हम लोग बस देखते रहेंगे। हमारा काम है, हम आकर ऐसे ही चिल्लाएंगे, जिसको सपोर्ट करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, लेकिन सरकार कुछ गलत करेगी तो हम तो आकर ऐसे ही भाई चिल्लाएंगे ही, सबको बताएंगे ही। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।